की कई यूनिवर्सिटीज के लगभग 200 कुलपतियों यानी वाइस चांसलर्स और प्रोफेसर ने राहुल गांधी को ओपन लेटर लिखा है, जिसमें प्रोफेसरों और कुलपतियों के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाने की आलोचना की गई है। साथ ही राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को निराधार भी बताया गया है। इस लेटर में यह भी लिखा है कि राहुल गांधी ने राजनीति लाभ उठाने के लिए झूठ का सहारा लिया है और पूरे सिस्टम को बदनाम भी किया है। हम अपील करते हैं कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ओपन लेटर में लिखने वालों में जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धूलीपुरी पंडित, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह और एआईसीटीसी के अध्यक्ष टीजी सीताराम शामिल है। लेटर पर साइन करने वालों कुछ और लोग में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी कानपुर के वीसी विनय पाठक, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर के वीसी भगवती प्रकाश शर्मा, महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट के पूर्व वाइस चांसलर एनसी गौतम, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर के वीसी आलोक चक्रवाल और बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत के पूर्व वाइस चांसलर विनय कपूर शामिल हैं। इसी बीच राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के डीन प्रोफेसर सुनील पारेख का एक वीडियो भी सामने आया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इसमें। क्योंकि जैसा आपने भी अभी बताया कि देश के लगभग 200 वाइस चांसलर्स ने एक ओपन लेटर राहुल गांधी जी के नाम पर लिखा है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के ऊपर एक के पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि विचारधारा का और संघ का कब्जा है और इन वाइस चांसलर्स की नियुक्ति इस प्रकार से की गई है कि इनका शिक्षा जगत से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस तरह के ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देना और विश्वविद्यालयों को इस तरह की चुनावी राजनीति में घसीटना, ये कहीं भी शिक्षा जगत के लिए ठीक नहीं है। राहुल जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय नेता हैं, देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं और इस तरह से एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सारे विश्वविद्यालयों और उनके कुलपतियों को बदनाम करना और उनकी योग्यता के ऊपर प्रश्न उठाना, ये कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। उनको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियां किस प्रकार से होती हैं। ये एक चयन प्रक्रिया का हिस्सा है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस निर्धारित हैं। मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ द प्रोफेसर इज मस्ट फॉर अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर्स और उसका एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आता है, कमेटी बनती है, कमेटी के थ्रू स्क्रूटनाइज होती है और फिर चीजें जाती हैं। दूसरा, मैं इस आरोप को तो सिरे से खारिज कर सकता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का शिक्षा जगत से ही कोई नाता नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट देना। आप देखिए सभी जो है चयन प्रक्रिया से निकल करके आए हुए हैं और दूसरा उनकी चयन प्रक्रिया भी जो है कितनी स्ट्रिंजेंट है इसको भी समझना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं जहां पर की नियुक्ति कैबिनेट कमेटी के द्वारा होती है और न केवल उनकी योग्यता वरन उनके इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद उनकी विजिलेंस की भी इंक्वायरीज होती हैं और इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद में कहीं जाकर के नियुक्ति होती है। दूसरा, आप यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स उठा करके देखिए। आज अधिकांश कुलपति आपको किसी न किसी नेशनल अकेडमी के फेलो मिलेंगे, कुछ इंटरनेशनल अकेडमीज के फेलोज हैं, उनके आप रिसर्च पेपर्स देखिए, उनके आप पेटेंट्स उठा करके देखिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, आप अगर पुराना आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो बहुत गिने चुने विश्वविद्यालय ऐसे थे जो कि नेक में ए या ए प्लस और ए डबल प्लस तक पहुंचे, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो अधिकांश विश्वविद्यालय नेक ए, नेक ए प्लस, नेक ए डबल प्लस तक जो है पहुंच रहे हैं। तो ये इन्हीं वाइस चांसलर्स की कैपेबिलिटीज हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज को दिशा दे रही हैं। दूसरा जो है आप देखेंगे क्यूएस रैंकिंग के अंदर या हमारी पब्लिकेशंस का आप रिकॉर्ड देखेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और वो किसी भारत की एजेंसी के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, वो विदेशी एजेंसियों के द्वारा जो है इंडिपेंडेंट उनका सर्वे होता है, उसमें जो है भारत के विश्वविद्यालय आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों को तमाम तरह की राजनीति और इनको इलेक्शन माइलेज लेने के से दूर रखना चाहिए। यहाँ क्योंकि आपके हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, यहाँ फैकल्टीज हैं,
तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस तरह से संपूर्ण शिक्षा जगत को अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज को राजनीति से पूरी तरह से दूर रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, न केवल राहुल जी, वरन में सभी हमारे लीडर से अपील करूंगा कि कम से कम जो है शिक्षा जगत को इस संपूर्ण राजनीति से दूर रखा जाए, तभी जो है हम उन्नति कर पाएंगे। और देश जो एक सपना देखा है कि हम न केवल विकसित भारत वरन जो है शिक्षा क्षेत्र में सिरमौर होंगे और विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ेंगे, तो ये विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बना जाता है, इसके लिए जो है तपस्या करनी पड़ती है। और हमारे समस्त कुलपति, कुलाधिपति और संपूर्ण फैकल्टी, हमारे संपूर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, वो सभी इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जो है इनके ऊपर क्वेश्चंस उठाना वो कहीं भी उचित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जो है इलेक्शन कैंपेन में यूनिवर्सिटीज को घसीटा जाना चाहिए।